गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बेटा आज हम हिंदी वन में शुद्ध करना पढ़ेंगे, शब्द तथा वाक्य में। आज मैं आपको शब्द में शुद्ध करना बताऊंगी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाक्य में शुद्ध करना सीखेंगे। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए उसे शुद्ध बोलना तथा लिखना आवश्यक है। जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, शुद्ध बोलना भी चाहिए और उसे लिखना चाहिए। और जब हम शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम अपनी बात को दूसरे तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। और अशुद्ध उच्चारण करने पर शब्द का क्या होता है, अर्थ बदल जाता है। तो आइए आज मैं आपको कुछ अशुद्ध शब्दों का शुद्ध शब्द बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, इस साइड बेटा अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है और उसको शुद्ध करके आपको उसके बगल में राइट करना है। तो चलिए देखते हैं। नंबर वन में देखिए, उद्देश्य। उद्देश्य ऐसे राइट नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है। उद्देश्य को आप कैसे राइट करोगे, ऊ द द के नीचे आपको क्या करना है, हलंत लगाना है और फिर द में एक ही मात्रा लगानी है, आधा तालव्य स राइट करना है और य, तो क्या हो जाएगा बेटा, उद्देश्य। नेक्स्ट है सेना, तो सेना नहीं होता है। सेना का सही रूप क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप जब आप राइट करोगे तो सेना, सैनिक जो काम करते हैं उस सेना में काम करते हैं ना, उसको हम लोग सैनिक बोलते हैं। तो सेना कैसे लिखेंगे, स में एक ही मात्रा और न में आ की मात्रा। आप सेना में देख रहे हैं कि स में एकार है, लेकिन इसका सही रूप क्या होता है, स में एक ही मात्रा। नेक्स्ट है पति। पति बेटा ऐसे राइट नहीं करते हैं, प त में छोटी, आप यहाँ देख रहे हो त में बड़ी ही राइट है जो कि गलत है। जब आप इसको सही करेंगे प त में छोटी पति। नेक्स्ट है प्रश्न। प्रश्न में आप यहाँ देख रहे हैं पूरा तालव्य स लिखा हुआ है जो कि गलत है। जब आप इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा प्रश्न, प्र आधा तालव्य स, आपको तालव्य स का लाइन यहाँ पर नहीं खींचना है और आधा तालव्य स न, तो क्या बन गया प्रश्न। आप लोग प्रश्न उत्तर सीखते हो ना, क्वेश्चन जिसको बोलते हैं उसको हिंदी में प्रश्न बोला जाता है। नेक्स्ट है बेटा कौन। कौन का सही रूप क्या हो जाएगा, कौन, क में अ की मात्रा, क न कौन। आगे देखते हैं परीक्षा। पर में छोटी और संयोगी अक्षर में आ की मात्रा लगी हुई है जो कि रॉन्ग है। इसका सही रूप क्या हो जाएगा, प र में बड़ी और संयोगी अक्षर में आ की मात्रा, परीक्षा। छोटी जब आप लगाएंगे तो ये रॉन्ग है, ये अशुद्ध है। इसका सही रूप र में आपको क्या करना है, बड़ी लगाना है। सेवन नंबर में देख लीजिए, प ह में छोटी की मात्रा ही, ल में आ की मात्रा ला, ये क्या है बेटा, पहला। पहला गलत है, इसका सही रूप है, शुद्ध रूप है पहला, प ह ल में आ की मात्रा ला, पहला। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, भ ई य में आ की मात्रा, भैया। भैया जो है गलत है, इसका सही रूप हो जाएगा भैया, भ में ए की मात्रा, य में आ की मात्रा, भैया। नेक्स्ट है बेटा अद्भुत। अद्भुत, अ त भ में छोटी उ अत, अद्भुत। अद्भुत जो है वो रॉन्ग है, इसका सही रूप होता है अद्भुत। अ द के नीचे आपको यहाँ हलंत लगाना है, भ में छोटी उ की मात्रा और त, अद्भुत। आगे देखिए क ठ में बड़ी, न में आ की मात्रा और बड़ी, कठिनाई। कठिनाई ऐसे नहीं लिखते हैं, कठिनाई का सही रूप हो जाएगा क ठ में छोटी की मात्रा, ठी न में आपकी मात्रा ना, और यहाँ बड़ी लिखनी है आपको, कठिनाई। नेक्स्ट है बेटा हृदय। हृदय जो है,
हृदय नहीं होता है, हृदय का सही रूप क्या होगा, हृदय। ह हमें आपको यहाँ री की मात्रा लगानी है और द य क्या हो गया, हृदय। आगे है बेटा विद्वान, विद्वान नहीं होता है विद्वान, यहाँ पे द के नीचे आपको हलंत लगाना है, वह हमें छोटी वी द के नीचे आप हलंत लगाएंगे, वह हमें आ की मात्रा न, तो ये हो गया विद्वान। आगे देखते बेटा नौकर, न में ऊ की मात्रा नौकर, नौकर, नौकर जो का सही रूप क्या हो जाएगा, नौकर। आपको क्या करना है, यहाँ ओ कार लगा हुआ है उसको जो आप सही करेंगे तो यहाँ पे आपको ओ कार लगानी है, तो एक बन जाएगा नौकर। नेक्स्ट है उत्तर, उत्तर नहीं होता है, इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं। इसमें देखिए दोनों त क्या है, पूरा त लिखा हुआ है, उत्तर में एक आधा त होगा और एक पूरा त होगा, ये उत्तर, जिसको प्रश्न का क्वेश्चन, जैसे आप लोग क्वेश्चन का हिंदी क्या जानते हो, प्रश्न, तो आंसर का हिंदी क्या हो जाएगा, उत्तर। नेक्स्ट है क्योंकि, क यहाँ देख रहे आधा क लिखा हुआ है, य में ओ की मात्रा, यहाँ एक बिंदी लगी हुई है, क में बड़ी, ये क्योंकि ये जो है गलत है, इसका सही रूप क्या होगा, क आधा क य में ओ कार, और यहाँ आपको बिंदी लगानी है, और क में यहाँ पर देखिए छोटी क्योंकि, यहाँ पर आप बड़ी ई देख रहे हो, अधिकतर बच्चे आप लोग क्योंकि ऐसे राइट करते हो जो कि गलत है, क्योंकि में क में छोटी ई होती है। नेक्स्ट है स में छोटे ऊ की मात्रा और बड़ी सुई, सुई नहीं होता है बेटा सुई, और जो बड़े यहाँ पे छोटा ऊ लगा हुआ है ना, इसको जब आप बड़े ऊ लगाओगे तो सुई, जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण थोड़ा देर तक होता है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, सुई। ठीक है 18 नंबर में देखिए इसलिए, ई स ल में बड़ी ए, इसलिए जो कि गलत लिखा हुआ है, इसको जब आप शुद्ध करेंगे इसलिए कैसे लिखेंगे, ई स ल में छोटी और ए, इसलिए। नेक्स्ट है द व में आ की मात्रा वा, बड़ी य में आ की मात्रा या, ये दवाइयाँ, आप लोग बहुवचन में दवाई का दवाइयाँ सीखे थे ना, आपको जब दवाइयाँ कैसे लिखेंगे, दवाइयाँ जो है बहुवचन शब्द है, और दवाई जब लिखेंगे तो द वा और बड़ी लगता है, लेकिन जब दवाइयाँ लिखते हैं तो ये बड़ी क्या हो जाती है, छोटी में बदल जाएगी, तो दवाइयाँ का सही रूप हो जाएगा द व में आ की मात्रा, ई य में आ की मात्रा, उसके ऊपर आपको चंद्र बिंदु लगाना है, दवाइयाँ में बड़ी ई नहीं होती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और लास्ट में बेटा लिखा हुआ है स्वप्न, स्वप्न ऐसे नहीं राइट होता है, स्वप्न में देखिए आधा स लिखना है और प भी जो है आपको आधे अक्षर में राइट करना है, स्वप्न का सही रूप हो जाएगा आधा स व आधा प और न, स्वप्न। ओके बेटा, आप लोग होमवर्क में जो मैंने ये शुद्ध अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप जो बताया, आपको हिंदी वन की कॉपी में लिखनी है और याद करना है। ओके बेटा, थैंक यू।